सलमान खान के घर के बाहर चलवाई गई गोलियों को लेकर बिश्नोई गैंग के ही अनमोल बिश्नोई ने पूरी जिम्मेदारी ली और पोस्ट करके बताया ये सलमान के लिए लास्ट वार्निंग। ऐसे में हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे, मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर रविवार को गोलीबारी की घटना की जांच मुंबई ब्रांच क्राइम ब्रांच कर रही है। इस मौके पर रोहित गोदारा नाम का एक शख्स भी सामने आया है। अब सलमान खान का इस शख्स के साथ क्या कनेक्शन है, आखिर पूरे इस मामले से क्या कनेक्शन है? जी हाँ, सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग को लेकर रोहित गोदारा का क्या कनेक्शन है, इस बारे में बात करेंगे। बता दें आप सबको कि पुलिस ने जो जांच की है उसमें पुलिस ने इस मामले के लिए 15 टीमें बनाई और पूरे हमले के पीछे रोहित गोदारा का ही नाम सामने आ रहा है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है रोहित गोदारा। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि वह यूके से गिरोह के सभी संचालन को संभालता है और उसे भारत लाने का प्रयास कर रही है पिछले काफ़ी समय से NIA। मूल रूप से राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला रोहित सिर्फ और सिर्फ क्राइम को लेकर माना जाता है सबसे बड़ा आरोपी। फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो दुबई भागा था इससे पहले और फिर यूके चला गया था। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका एक बिजनेस मॉडल है और फिर अलग अलग राज्यों में उसके मॉडल को अलग अलग लोग संभालते हैं। इसमें रोहित उसका राजस्थान में पूरा काम देखता है। गोदारा कथित तौर पर पिछले साल राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मणि के निधन और मई में 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू के निधन में शामिल बताया जा रहा है। CCTV जो फुटेज सामने आया है उसमें उसे लेकर भी कनेक्शन बताया जा रहा है। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।